मंच पर उपस्थित विद्वत जन, डॉक्टर आचार्य दिलीप कुमार जी, जिनके सौजन्य से आज आज का ये ज्योतिषी सम्मेलन हो रहा है, और कक्ष में उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुगण, मैं आचार्य इंजीनियर एस के कोहली आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, और आज की इस ज्योतिषी सरिता में अपनी वाटिका के एक दो पुष्प अर्पित करता हूँ। आज का विषय फलादेश में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को, जो कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स फेस करते हैं, और उसके निदान की ओर मैं इंगित करूंगा। फलादेश में आने वाली कुछ समस्याएं इस तरह हैं। जब आप देखते हैं कि कुंडली में बहुत से उच्च ग्रह भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होते, इसके पीछे कारण क्या है? दूसरा, गोचर में आने वाली किस कुंडली से गोचर में गोचर को किस कुंडली से देखें, जन्म लग्न से देखें या सूर्य लग्न से देखें, या जन्म चंद्र से देखें या सूर्य से देखें या जन्म लग्न से देखें। तीसरा ये आता है कि जब आयु निर्धारण में हम किसी भी प्रामाणिक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, और चौथा यह है कि अगर आपको कोई घटना बता दी जाए तो यहाँ बैठे हुए हम में से सभी इंक्लूडेड हैं, उसका ऐसा ज्योतिषी विश्लेषण कर देंगे कि उसको बिल्कुल सत्य साबित कर देंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही हुआ ज्योतिष के हिसाब से। अगर हम आपसे ये कहें कि मंगल उच्च का चतुर्थ भाव में बैठा है तो वो कौन सी घटना देगा, तो उस वक्त हम जो है चतुर्थ भाव से संबंधित 10-20 बातें बोल देते हैं, ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, और किसी एक निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाते। तो ये सारी कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों का हमें इंगित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि इनके निदान कैसे किए जाएं। अगर हम नहीं कर पाते हैं फलादेश सही, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी की जो भी फाउंडेशन है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ज्योतिष की फाउंडेशन के चार पिलर्स हैं, आप सभी जानते हैं, साइन, हाउस, प्लैनेट और नक्षत्र। इन चारों में कहीं ना कहीं हमें कठिनाई है, जो हम सही फलादेश नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं व्यक्ति जब शुरू शुरू में एस्ट्रोलॉजी सीखता है तो वो बहुत जल्दी फलादेश पे चला जाता है, पर जब 10-20 साल हो जाते हैं उसको, और फिर जब देखता है कि उसे निराशा लग रही है, तब वो पुनर्वलोकन करता है इस चीज़ का। तो मैं अपनी इस आप 45 वर्ष की ज्योतिषी यात्रा के कुछ अंश जो हैं, जो अनुभव से और लॉजिक से, कोई भी बात मैं बगैर लॉजिक के नहीं करता, साइंटिफिक स्टूडेंट हूँ इसलिए साइंस के अलावा कोई बात नहीं करता उस तरीके से। पहली चीज़ यह है कि इसमें हमें बेसिक्स पे जाना होगा। बहुत सूक्ष्म में मैं कहूँगा कि हम पूरे जीवन कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो कर्म हैं उनको मैं चार लेवल पे मानता हूँ। फर्स्ट लेवल है इनिशिएशन, सेकंड लेवल है प्रैक्टिकल, थर्ड है मेंटल, और फोर्थ है इमोशनल। ये और कोई नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, या जिसे फायरी, अर्थी, एयरी और वाटरी कहते हैं, ये यही चार लेवल हैं। इन चार लेवल पे हम कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमने कोई कर्म किया है तो उसका हमें कर्मफल मिलेगा, पर हमारे कर्मफल की रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे ये दो ग्रह राहु और केतु हैं, वो जो आपने गरुड़ पुराण में पढ़ा होगा, चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त, जो दो कंधों पे बैठे होते हैं, ये दोनों 180 डिग्री अपोजिट हैं। तो राहु केतु हमेशा जो है 180 डिग्री अपोजिट होकर के ये 24/7 हर क्षण हमारे जो हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं कर्मों की। कर्मों की रिकॉर्डिंग चारों लेवल पे होती है, एक लेवल पे नहीं, प्रैक्टिकल। और जब हमारी मृत्यु होती है तो यही रिकॉर्डिंग जो है राहु केतु अपनी जिप फाइल में सन यानी सूर्य की या सोल की आत्मा के ऊपर मॉड्यूलेट होकर के ये वेव चली जाती है। जब हमारा जन्म होता है तो यही जो राहु केतु की जिप फाइल है वो अनजिप होती है, और वो हमें पूरी लाइफ का रोड मैप बताती है। वो इस जन्म में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को बताती है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, ये एक परिस्थिति है, पर परिस्थितियाँ घटनाएँ नहीं होती। परिस्थितियों में हम जो कर्म करते हैं उसका वेक्टर जो लगता है, उसके साथ में जो रिजल्टेंट होता है, वो घटना को जन्म देता है। इसलिए हमें स्वतंत्रता होती है कि इन परिस्थितियों में क्या कार्य करें। तो एक तो ये रहा हमारा आध्यात्मिक पक्ष। अब हम आते हैं ज्योतिषी पक्ष पे। ज्योतिष पक्ष में हमारे जो है
ग्रह सूर्य से शनि की यात्रा हम पहले बहुत संक्षेप में करेंगे, यानी पिता की पुत्र के घर तक यात्रा, सूर्य से शनि की यात्रा। आप ये देखिए कि हॉरोस्कोप में सूर्य जो है नेचुरल भाव फिफ्थ है, उसके बाद में उसके बगल में फोर्थ वाम अंग में लेफ्ट हैंड पे फोर्थ यानी चंद्रमा मन। तो ये पांच और चार ये साइन आपको अर्धनारीश्वर के रूप हैं, शिव के रूप हैं, दोनों एक ही पार्ट में दोनों दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में आप चलते हैं पीछे आते हैं तो बुध आता है, उसके बाद में फिर उसका लॉर्ड जो सेकंड हाउस है, फिर शुक्र आता है, और उसके बाद फिर मंगल आता है। ये निरर्थक नहीं है, इनके पीछे बहुत लॉजिक है। अब मैं बताता हूँ, सूर्य यानी आत्मा से निकला हुआ सिग्नल हमारे मून, यानी मून हमारी फर्टिलाइजेशन एनर्जी है, उसके ऊपर जाता है, वहाँ से सिग्नल परावर्तित होकर के मरकरी को जाता है। मरकरी हमारे ह्यूमन कंप्यूटर का प्रोसेसर है, किसी का कंप्यूटर जो है स्लो हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है। मरकरी की स्ट्रेंथ हाब में उसके फास्टनेस या स्लोनेस को बताती है, और किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ये उसका साइन बताता है। आप एक बेसिक चीज ये है कि हाउस हमें ये बताता है कि हमने क्या करना है, और साइन ये बताता है हमें कैसे करना है, द मैनर ऑफ वर्किंग हाउस बताता है। तो जब ये सिग्नल जो मरकरी में जाता है, यहीं पर मरकरी में एक सिग्नल और वीनस का मिलता है। वीनस हमारी लव लस्ट या डिजायर का रिप्रेजेंटेटिव है। वहां से दोनों सिग्नल जब मरकरी को मिलते हैं, उसके बाद से प्रोसेस होकर के सिग्नल हमारा बाहर निकलता है मरकरी से, और ये सिग्नल मंगल को जाता है, मार्स को जाता है। मार्स हमारी काइनेटिक एनर्जी है, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मार्स हमारे पास नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना इनिशिएशन लेवल पे, ना प्रैक्टिकल लेवल पे, ना इमोशनल लेवल पे, ना मेंटल लेवल पे। तो मार्स एक बंदर की तरह है, जिसे डायरेक्शन का कोई भान नहीं है, वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करता है, पर उसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है जो उसकी डायरेक्शन दे। तो उसके बाद में ये सिग्नल जो जुपिटर है, वो गुरु जो है वो उसको लेकर के सिग्नल को जाता है, और सैटर्न के पास फाइनल स्टेज है सैटर्न। शनि, शनि हमारा एक स्ट्रक्चर है, कहीं भी कुंडली में आप देख लीजिए, शनि आप जहाँ बैठा है और उससे तीन भाव और देख रहा है, यानी चार भाव का एक्चुअली वो मालिक हो जाता है एक तरह से, वहाँ स्ट्रक्चर बनता है आदमी। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल लेवल पे ही हो, नॉलेज का भी स्ट्रक्चर होता है, मनी का स्ट्रक्चर है, मैरिज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनता है। और शनि का को हम एक सुरंग की तरह या टनल की तरह मान सकते हैं, और इस टनल से सबको गुजरना होता है। टनल में कुछ फ्री स्पेस होती है, और जो स्पेस का मालिक आप सभी जानते हैं कि जुपिटर होता है। जुपिटर हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में कहीं स्पेस है वो जुपिटर रिप्रेजेंट होगी, एटमॉस्फेयर में जो स्पेस है उसका रिप्रेजेंटेटिव जुपिटर है। तो हमारे जिसका शनि के हिसाब से, जिसके आपकी कुंडली के हिसाब से, किसी को शनि की ये टनल ज़्यादा स्पेस की, फ्री स्पेस ज़्यादा होगी, किसी के लिए ये स्पेस नैरो होगी, पर गुजरना इसमें सबको है। अगर जिसकी फ्री स्पेस ज़्यादा है, यानी जुपिटर जिसका सही है, उसको फ्री स्पेस ज़्यादा मिल गई, तो शनि की दशाएं या अंतर दशाएं जब भी आएंगी उसको कोई कष्ट नहीं ज़्यादा मिलता। और यही कारण है कि जिसकी स्पेस नैरो होगी उसको उससे गुजरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जो कुछ लोग ये देखते हैं कि शनि की दशा में किसी को तो अच्छे फल मिल गए, किसी को बुरे फल मिल गए, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। आपकी जो सिचुएशन है प्लैनेट्स की, वो बनाती है खराब और अच्छा। तो अब आपने ये देखा होगा, एक विधि बहुत करते हैं कि लोग शनि खराब हुआ तो तेल चढ़ा दिया। मेरी अपनी लॉजिक है, ओपिनियन है कि उस टनल में जो को लुब्रिकेट करने की वो कोशिश करते हैं कि हाँ चढ़ा दिया तो आसानी से पार हो जाएगा। पर अब इस जो इसको मैं प्लैनेट्स का फ्लो डायग्राम कहता हूँ, यहाँ से तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण आती हैं जो आपको प्रैक्टिकली अप्लीकेबल होंगी प्रिडिक्शन में। पहली चीज़ यह है कि शनि के टनल से गुजरने के लिए हमें फ्री स्पेस चाहिए, यानी जुपिटर सही होना चाहिए। तो शनि को अगर हमें सही करना है तो जुपिटर को सही करना होगा, और इसी तरीके से अगर हमारा बुध जो है वो सही है तभी मंगल को सिग्नल सही मिलेगा। यही कारण है कि आपकी कुंडली में मंगल चाहे जितना उच्च का बैठा हो, अगर वो बुध से सपोर्टेड नहीं है तो वो निरर्थक है, वो अपेक्षित फल बिल्कुल नहीं देगा। दूसरी समस्याएं ये आती हैं कि आप दो बच्चों को अगर कह दीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एक बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन मान लेता है, दूसरा बच्चा नहीं मानता है, उसका क्या कारण है?
दोनों बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया, दोनों बच्चों का मरकरी अलग है, सन का सिग्नल मून से रिफ्लेक्ट होकर के मरकरी को गया और उधर से वीनस का सिग्नल भी मरकरी को जाता है। अगर उस बच्चे की डिजायर नहीं है तो वो सिग्नल आपका मरकरी से निकलेगा नहीं, वो बच्चा नहीं मानेगा। अगर तीसरी बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूं कि किसी भी घटना को देखने में सारे ग्रहों का योगदान होता है। अगर हमें एक गिलास पानी का उठाना है तो ये समझ लीजिए कि हमें तो गिलास उठाना है, हाथ दिखाई पड़ा, थर्ड हाउस ले लिया और हमने कह दिया कि उठा लिया। ऐसा नहीं, आप तो सिग्नल गया, आपने ध्यान से देखा उस सिग्नल को, आपके मरकरी ने एनालाइज किया, उसने कमांड दिया कि हाँ आपको ग्लास उठाना है, आप मूवमेंट किए, ट्वेल्थ हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, सारे हाउस इन्वॉल्व होते हैं कम या ज़्यादा मात्रा में। वहाँ से आपने ग्लास उठाया, फीडबैक सिस्टम लगा, आप लेकर के आए वापस, आपने रखा, तो इसमें सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पर मुख्यतः जो है वो आपको जो बाहर दिखता है वो थर्ड हाउस दिखता है। जो प्रक्रिया अंदर होती है, यानी चार प्लैनेट सूर्य चंद्र शुक्र और बुध, ये आपके अंदर की तरफ ही सारी प्रक्रिया होती है, इसे हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इसीलिए इसको इनर प्लैनेट कहते हैं। जो हमें बाहर दिखते हैं मंगल बृहस्पति शनि, उन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। इस फ्लो डायग्राम का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको प्रिडिक्शन में ये मिलेगा, किसी भी कुंडली में आप उठा करके देख लीजिए, जब तक मंगल बृहस्पति और शनि से अलाइन होकर के सिग्नल बाहर नहीं निकलेगा घटना घटेगी नहीं। तो आपको ये पता चल जाएगा जब भी आपके मंगल बृहस्पति शनि कुंडली में अलाइंड होंगे दशाओं को लेकर के और ट्रांजिट में भी अलाइंड मिल जाएगा तो वो घटना निश्चित घटेगी। और खास तौर से बृहस्पति और शनि के जो कॉमन पॉइंट होंगे उन पे घटना निश्चित रूप से घटेगी। अब मैं कुछ दूसरी बात को कहना चाहूंगा, जो आयु को लेकर के निर्धारण में जो समस्याएं आती हैं, इस पे मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था और काफी बड़ा लेख है, पर मैं यहां पर समय अभाव में और प्रतिबद्धता के कारण सिर्फ एक मिनट में ही कहूंगा कि जब मृत्यु होती है तो उसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट, ऑर्गन्स का मूवमेंट बंद हो जाता है, ये बेसिक चीज है। और मूवमेंट का सिर्फ एक प्लैनेट है जो काइनेटिक एनर्जी का प्लैनेट है, वो मार्स है, मंगल है। यानी अगर हमें आयु निर्धारण में देखना है तो मंगल को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। हमें जो है सारे प्लैनेट्स की जो एनर्जी मिलती है ये बैटरी की तरह है, और हमारी मंगल की ऊर्जा प्रतिक्षण क्षय होती रहती है, नष्ट होती रहती है, और इस ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्पार्क पैदा करता है वो केतु करता है। मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि देखिए राहु एक इंडक्टर की तरह है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होंगे या इलेक्ट्रिकल के होंगे वो समझ सकेंगे आसानी से कि ये कॉयल की तरह होता है, राहु इंडक्टेंस है, तभी सर्प की तरह उसको साइन वेव की तरह दिखाई पड़ता है, और केतु जो है कैपेसिटर या कंडेंसर की तरह है जो कि चार्ज को स्टोर करके रखता है। जहाँ भी केतु है आपका, अगर फिजिकल फॉर्म में आ गया तो वहाँ पर फोड़े फुंसियाँ और ये सब निकल जाती हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स आपको मटेरियल रूप में आ गया। अगर यही मेंटल लेवल पे हो गया केतु तो आप जो है वो नॉलेज से चार्ज हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है चार्ज उसका। जब भी मंगल और केतु मिलेंगे तो एक स्पार्क पैदा होता है और इमीडिएट एनर्जी जो है मार्स की ख़त्म होती है। और यही कारण है कि मंगल केतु जहाँ भी आपके कुंडली में कनेक्शन बनाते हैं उस समय आपको डेफिनेटली कहीं ऑपरेशन भी हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, ये कारण इसके ये हैं। तीसरा फाइनली मैं संक्षेप में आपको पॉइंट तो बहुत हैं, राहु और केतु जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की मैंने बात की है, ये दोनों एक तरीके से ये इंडक्टर और कैपेसिटर जब मिलते हैं तो एक ऑसिलेशंस होता है जिसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, और ये हर आदमी की यूनिक है, क्योंकि राहु और केतु की डिग्री दो व्यक्तियों की सेम नहीं होगी। अगर डिग्री सेम है उसके बाद में हाउस पोजीशन सेम नहीं होगी, तो इसको मैं यूनिक आईडी कहता हूँ। हर आदमी का एक यूनिक आईडी या आधार नंबर है जो राहु केतु से दिखाई देता है। राहु केतु को देख करके आप पूरी लाइफ का क्या क्या आपको परिस्थितियाँ प्राप्त होगी आप जान सकते हैं, और उनमें एक्शन क्या करना है आप देखिए, सूर्य से लेकर के शनि तक देखिए रुकावट कहाँ आ रही है। अगर जहां रुकावट आ रही है आप उसी पॉइंट को जो आप कंट्रोल करिए कि कैसे हम इसको सही करेंगे। तो इसमें रेमेडी भी निहित है, इसमें इवेंट्स भी निहित हैं, और ये एसोटरिक एस्ट्रोलॉजी के बगैर ये चीज़ों को का ज्ञान जो है वो पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, पर प्रश्न ये है कि लेखक जो कुछ लिखता है हम उसको तभी समझ सकते हैं जब हमारा मरकरी उसकी मरकरी की फ्रिक्वेंसी से ट्यून्ड होता है। एक पुस्तक अगर आचार्य जी ने लिखी है
और 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 स्टूडेंट उसको समझ देंगे। वो वही समझ पाएंगे जो आचार्य जी की फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड हो गए, वो तभी समझ पाएंगे। इसीलिए जो कुछ बिटवीन द लाइंस लिखा होता है वो अच्छे व्यक्ति, इसीलिए गुरुकुल की परंपरा थी कि वहां पर वो जो शिष्यों को रखते थे और रख करके उनको अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यून्ड करते थे, तो वो जो गुरु कहता था उसको समझ लेते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में मैं आचार्य दिलीप कुमार जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया और शायद भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे कि आपने बताया, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। अगर आप इस बात की गहराई को समझे तो आप जानेंगे कि हमारे परिवार में मम्मी पापा भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, पत्नी या पति भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और आप जानते हैं, ग्रहों की भाषा में अगर हम बात करें तो सूर्य पिता का, चंद्रमा माता का, मंगल छोटा भाई, गुरु बड़ा भाई, शुक्र पति पत्नी, तो बताइए कौन खराब है? आप कहेंगे पत्नी खराब है, कभी नहीं। पति खराब है, कभी नहीं। माँ बाप खराब है, कभी नहीं। तो सर ने जो ये बहुत अच्छी सी अपने सदे शब्दों में जो जानकारी दी है, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपने इतनी वैल्यूबल हमें इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच।